वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टमाटो की चटनी, खट्टी मीठी चटनी बना के हम तैयार करेंगे। यहाँ पे लिए मैंने कच्चे टमाटो, ये अच्छे से पके नहीं है पूरी तरह से, और ये लिए मैंने फ्रेश ताजे और लाल टमाटो एकदम अच्छे से पके हुए हैं। इनकी चटनी आज हम बनाएंगे दोनों टमाटो को कट करके, बहुत ही अच्छी बनती है। लॉकडाउन चल रहा है तो सभी को सब्जी अवेलेबल हो नहीं पाती, सब मार्केट से सब्जी ला नहीं पाते हैं, तो जिनके घर पे टमाटो अगर है तो उससे भी आप बहुत अच्छी सी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप रोटी के साथ, नॉर्मल पराठे के साथ, आलू के पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। हम देख लेते हैं और हमें क्या चाहिए। यहाँ पे लिए मैंने काजू, 10 काजू के मैंने दो दो पीसेस काजू में कर लिए हैं। मसाले को भी हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। मसाले में हमने लिया है हल्दी पाउडर, नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा आप। और यहाँ पे लिया है मैंने चीनी, जैसे कि हम खट्टी मीठी बनाएंगे इसलिए चीनी, चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लिया मैंने सौंफ, दो पिंच हींग, दो तेज पत्ता, जीरा, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी राई ले रखी है हमने। और हम देख लेते हैं हमें सब्जी में क्या चाहिए, उसे भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिए मैंने एक प्याज और ये लिया मैंने लहसुन की कलियाँ, इन्हें हम छीलेंगे। और प्याज को तो हम कट करेंगे लेकिन इन्हें हमें कट नहीं करना है, साबुत ही रखना है छीलकर। हरी धनिया, दो हरी मिर्च और अदरक, हम सारी चीज़ों को अच्छे से कट कर लेते हैं। टमाटो को अच्छे से दो तीन पानी से साफ करके धुल लेते हैं और कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चटनी को बनाना स्टार्ट करेंगे। टमाटो को हमने दो पानी से अच्छी तरीके से धुल लिया है साफ पानी में, अब तीसरे पानी में हमने टमाटो को डाला है, तो हम अच्छे से टमाटो को धुल के साइड में हम रख देते हैं। और एक बाउल ले लिया है मैंने और नाइफ से हम सबसे पहले इनके ये जो काले तरीके से कट करके निकाल देंगे। और टमाटो को हमें कोई शेप देना नहीं है, बस ऐसे बीच से अलग करना है और हमें ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कट करना है। टमाटो को हमने कट कर लिया है अच्छी तरीके से और यहाँ पे लहसुन को हमने कट नहीं किया है, सिर्फ इनके छिलके को उतार दिया है। हरी धनिया को कट कर लिया है, साबुत, हरी मिर्ची इन्हें भी नहीं कट किया मैंने, और प्याज को कट कर लिया है, अदरक को एकदम बारीक कट किया है। तो हम फटाफट बना लेते हैं अपनी टमाटो की चटनी लाजवाब। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अच्छे से तेल को हम हीट हो जाने देते हैं। रिफाइंड ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देते हैं ये हींग 2 पिंच और डाल देते हैं साथ में ये 2 तेज पत्ता। फिर उसके बाद डाल देते हैं ये जीरा और राई, इनको हम चटक जाने देते हैं। और साबुत मिर्ची साथ में डाल देते हैं, ये लहसुन थोड़ी देर इनको हम पका लेते हैं। अब हम डाल देते हैं ये बारीक कटी हुई अदरक और साथ में ये कटी हुई बारीक प्याज, और इनको हम पका लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। आप चाहें तो इसमें मगरायल भी डाल सकते हैं, जिसे कलौंजी कहते हैं कुछ लोग। अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इनको 1 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। एक मिनट हमारा हो चुका है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं चम्मच से। और अब हम इनमें मसाले ऐड करेंगे, मसाले को मिलाएंगे। ये सारे मसाले हम मिला देते हैं, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें हम मिला देते हैं अपने सब्जी में। सारे मसाले को हमने मिला दिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये चीनी 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब डाल देते हैं हम ये सौंफ को हमें बाद में डालना है। और ये डाल देते हैं हम काजू, अच्छे से हम इनको मिला देते हैं सारे मसाले को अच्छी तरह से। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। आप इसे रोटी पराठे के साथ खाइए, फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। बीच बीच में हमें चेक करते रहना है, चलाते रहना है ऐसे ही, और चलाते हुए हमें पका लेना है अपनी चटनी को टमाटो की। ये खट्टी मीठी चटनी चटपटी बनकर तैयार होती है। फिर से हम कवर कर देते हैं, बीच बीच में हमें चेक ज़रूर करते रहना है। चटनी हमारी अच्छी तरीके से बन चुकी है, देखिए अच्छे से पक चुकी है। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, और फ्लेम का तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है हमें, कम से कम आंच में हमें इसे पकाना है, एकदम धीमी आंच में। अब हम डाल देते हैं ये बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया आप एकदम ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर पसंद हो तो डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अपनी सारी टमाटो की सॉस को बाहर निकाल लेते हैं एक बाउल में।
सारी चटनी को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, कढ़ाई से निकाल लिया है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब आप किसी को भी खाने के लिए दे सकते हैं, पास से देख लीजिए आप, है ना कितनी लाजवाब आ रहा है मुंह में पानी ना। तो आप भी बना सकते हैं इस तरीके की चटनी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को फटाफट से लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में दी हुई बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। तो अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।